पराई हूँ, मुझे लग रहा है उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसे विरक्त शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते रहे हों और वेदांत के सिवा उनके मुख से कुछ ना निकला हो, लेकिन जब देश की परिस्थिति को उनको महसूस हुआ कि हमारी ज़रूरत है, उस समय अपना सिद्धांत अपना सब कुछ वेदांत चिंतन छोड़ करके, और मुझे स्मरण हो आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समय हमने सुना कि गादि तने मन चिंता व्यापी हर बिन मरह न निश्चर पापी, ऐसे ही पूज्य वामदेव जी महाराज जी अपनी कुटी को अपने जंगल में झोपड़ी को त्याग करके समाज के लिए निकले थे, और आज आप देख रहे हैं उनके त्याग उनके परिश्रम का ये जीता जागता राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर जो भव्य मंदिर बन रहा है दिखाई पड़ रहा है। और ये भी आप देख रहे हैं कि विश्व के अंदर भारत का जिस तरह से एक डंका बज रहा है, ये इन्हीं महापुरुषों का आशीर्वाद है जिन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा करके समाज को जगाने में लगाया। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत बार पूज्य महाराज जी के वृंदावन में हरिद्वार में जहाँ भी हम उनको सुनते थे कि उनका संतों को एक पढ़ाने का उनका एक नियम था कि संतों को वेद वेदांत जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ाते थे, जब हम भी उनके दर्शन करने के लिए जाते थे और बैठ करके सुनते थे। दीदी, आज इस मंच से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने और हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आवाज़ बुलंद हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैंने अपने वाक्य नहीं कहे, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के ही वाक्य बोले हैं कि देश के अंदर जो भी गुलामी के प्रतीक हैं, जो हमें अपमानित करने के लिए खड़े किए गए हैं, सरकार उन पर काम कर रही है सर, और आप सबका सहयोग भी चाहिए। दीदी, एक बात, हिंदुत्व को लेकर लगातार कुटाराघाट किया जाता है, चाहे वो रामचरित मानस हो चाहे भगवान की जब फोटो हो, उनको लेकर लगातार कुटाराघाट किया जाता है, सरकार द्वारा क्या कार्य किया? देखिए, मैं सरकार अपना काम कर रही है, मुझे लग रहा है जिसके मन में जो भावनाएं होती हैं वो भावनाएं जनता के सामने उजागर होती हैं। यह जनता को चाहिए कि उनको जवाब जनता देगी। देखिए, सरकार के बल पर इनका अंकुश नहीं, इनका अंकुश जनता लगाती है, और बहुत हद तक इनके ऊपर अंकुश लगा चुकी है जनता। मैं इतने कहना चाहती हूँ कि देश की संस्कृति के साथ देश के महापुरुषों के साथ खिलवाड़ करने को किसी का अधिकार नहीं है, और यदि कोई खिलवाड़ करेगा तो जनता उनको जवाब देगी। ठीक।